नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। काफी टाइम से ऐसी खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शर्मा के शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कहा जा रहा है कि सोनी चैनल ने इस शो के प्रोड्यूसर्स से बात करके सिद्धू की इस शो से छुट्टी कर दी थी। दरअसल जब से द कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अर्चना पूरन सिंह सिद्धू बाजी की कुर्सी पर नजर आ रही हैं, तब से तो लोग ऐसा मानने ही लगे हैं कि अब कपिल के शो से नवजोत सिंह सिद्धू का पत्ता साफ हो चुका है। लेकिन सिद्धू को इस शो में रिप्लेस कर रही अर्चना पूरन सिंह का कुछ और ही कहना है। बता दें कि हाल ही में अर्चना पूरन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि द कपिल शर्मा शो पर नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस कर रही हैं या नहीं, क्योंकि जब उन्होंने शो के लिए शूट किया था तब ये मुद्दा ही नहीं था। अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि मुझे सिद्धू पाजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी मीडिया से ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे चैनल या शो के क्रिएटिव हेड्स ने ये नहीं बताया है कि मैं शो का परमानेंट हिस्सा हूँ। इतना ही नहीं, अर्चना ने आगे कहा कि मैंने 9 फरवरी और 13 फरवरी के दिन शो के 2 एपिसोड्स शूट किए थे, जो कि पुलवामा आतंकी हमले से पहले की बात है। इसके बाद मैंने कोई भी एपिसोड शूट नहीं किया है। तो देखा आपने, अर्चना पूरन सिंह की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सिद्धू फिलहाल इस शो का हिस्सा है। बता दें कि पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में 40 वीर जवान शहीद हो गए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले पर पाकिस्तान की निंदा करने की जगह उनका सपोर्ट किया है। ऐसे में कई लोग उनके इस बयान के चलते उन्हें काफी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि उन्हें कपिल के शो से भी निकाल दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, सिद्धू को इस शो में रहने देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसकी फिल्म की शूटिंग पूरे देश में हम नहीं होने देंगे। हम अपील करते हैं सारे म्यूजिक कंपनी से इस देश की कि किसी भी पाकिस्तानी गायक म्यूजिशियन से वो यहां पर काम नहीं करने देंगे। और ये लाखों की तादाद में फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं, ये उनकी आवाज है। फिल्म इंडस्ट्री को हम चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को वर्कर्स चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को टेक्नीशियन चलाते हैं। इसीलिए इस पूरे अमर जवान ज्योति के सामने आइए हम सब लोग कसम खाते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी कलाकार किसी व्यक्ति को हम हिंदुस्तान की जमीन पर सर जमीन पर काम करने नहीं देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग सब इस अनाउंसमेंट से, इस डिमांड से वाकिफ है, हाँ बोलने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक दुबे जी, हमारे सेक्रेटरी से 200 बोले। अशोक जी बहुत जरूरी है, सुनिए सुनिए, हेलो हेलो सुनिए, बहुत जरूरी है चीज है। फेडरेशन के बोलने पे, फेडरेशन के डिमांड से पाकिस्तानी प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू को उसके प्रोग्राम से लात मार कर बाहर करा दिया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले सब नवजोत सिंह जैसे सिद्धू को हम इस देश में हम करने नहीं देंगे। और हम अपील करते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है उस पॉलिटिकल पार्टी से भी उसको लात मारकर बाहर निकालो, उसको पाकिस्तान की धरजमीन में फेंक दो, उसको जाने दो जिस देश में जाना है। हम फेडरेशन किसी भी एंटी नेशनल, किसी भी देश विरोधी को इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे और जीने नहीं देंगे। मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोले। अशोक जी की मैं मेहुल कुमारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए। मेहुल कुमार जी प्लीज मंच पर आओ। मेहुल कुमार, फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सभी भाइयों, मेरे आवाज में जोर से बोलेंगे भारत माता की। पीछे लिए चलता हूँ, 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू मेरे साथ खड़े होके
भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ बाप ही बदल लिया हो। पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि वो आदमी देश बदलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों सिर्फ लात मार के नहीं, 100-100 जूते लात मार के उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। और आज फेडरेशन की ताकत मुझे दिखाई दे रही है। मैं कसम खाता हूं आप सबके साथ, आप सब मेरे साथ ये प्रण कीजिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पाक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये हमारी ताकत है। इस फिल्म इंडस्ट्री के गेट से ऐसे नापाक इंसान को हम घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और जिस तरह से हम सब के सब फेडरेशन की ताकत के साथ खड़े हैं, आज हम ये पूरी देश को, हमारी सेना को ये वचन देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के सब उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई मौका ऐसा आया, जब जब देश में वो मौका आता है, कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, सेना के ऊपर कोई आपदा आती है, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री से साथ खड़ी होती है। हमारे कलाकार जाके जहां कहां कहां काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कपड़ा इकट्ठा करते हैं। इसलिए आज एक बार फिर वही मौका आया है कि हम देश की सेना को ये बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज में आह्वान करती है, जिसने हमको छेड़ा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार जोर से इतनी आवाज से लगाइए कि दिल्ली तक ये आवाज जाए, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ खड़े हुए एक दिन के अंदर में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों किसी भी पाकिस्तान कलाकार के साथ आज हमने कसम खाई है आगे से काम नहीं करेंगे। और सिद्धू को हमारी फेडरेशन ने अपनी ताकत दिखा दिया, और जिस भी सेट पे सिद्धू काम करेगा, सबसे पहले मेरे कारपेंटर डिपार्ट के लोग हैं वो कोई एक साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, आगे भी हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और हम लोग जितने भी आतंकवादी हैं जो देश से और बाहर के, उनका हर समय पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। आवाज और जोर से होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोविंद नामदेव जी हमारे बीच में, मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ शब्द बोले। गोविंद लानत भेजता हूं मैं पाकिस्तान पर, लानत भेजता हूं मैं मसूद अजहर पर और ऐसे दूसरे आतंकवादी संगठन के सरगनाओं पर जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को देखते देखते मृत्यु में मिला दिया। इनको सजा मिलनी ही चाहिए, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। बोलो इनको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। ये बातें चलती रहेंगी, मुझे बात की। हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट तिवारी जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द बोले। तिवारी जी, भारत माता की जय। इमरान खान,
की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। मैं मेरे मित्र अशोक पंडित हो, अशोक दुबे हो, हमारे बाकी साथियों हैं, आज इनकी दोस्ती पे मुझे अभिमान हो रहा है कि ऐसे देश जब इस संकट का सामना कर रहा है उस समय पे आप सब एक होकर जो आवाज दे रहे हैं कि हम सब सिर्फ एक है नहीं है, लेकिन हम सब ये वीर आत्मा जो है शहीद परिवार के साथ में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ट्राई काफी नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बदला लिया जाएगा। और बदला कौन लेंगे? बदला हिंदुस्तान की सेना लेगी। कब लेना, कहां लेना, कैसे लेना, उस सेना तय करेगी। और हिंदुस्तान की एक तो 30 करोड़ जनता जानती है कि हिंदुस्तान की सेना का वीर जवान जब उठता है तो खात्मा करके ही वापस आता है। आज तो हमने सिर्फ एक ही आवाज देनी है, हे भारत माता, इन जवानों की हे माता, व्यर्थ नहीं होगा तुम्हारा बलिदान। इन बलिदान का बदला लिया जाएगा। और जो आतंकवाद के जो भी आका है, जो आतंकवाद के आका है, उनको गिन कर उनका खात्मा होने तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे।